गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट ग्रामर पोर्शन इन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक एंड द टॉपिक ऑफ ग्रामर इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सो चिल्ड्रेन, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू टेल यू ब्रीफली अबाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट. एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास, आई विल बी teaching you more clearly about subject verb agreement on board, because then only I will be able to explain it clearly to all of you ki what is subject and verb agreement. Abhi jitna book mein de rakha hai, I am just telling you about it only, that's it. Aur jo basic cheeze hain about subject and verb agreement, I will tell you in online class only. Is that clear to all of you? So subject and verb agreement, a verb must agree with its subject in number and person. It is the first person, the second person, or the third person. We call this subject verb agreement as concord. जो verb होता है sentence में, उसको अपने subject के साथ agree करना होता है in number. Verb और subject goes hand in hand. सब्जेक्ट और वर्ब को एक दूसरे के साथ नंबर में अग्री करना होता है. जैसे कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लेते हैं, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एक हमारे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. वर्ब्स वाला चैप्टर ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड कि वर्ब क्या है, फिर उसको टू पार्ट्स में बताया कि मेन वर्ब्स कौन से होते हैं. मेन वर्ब्स वो होते हैं जो कि एक्शन वर्ड्स होते हैं इटसेल्फ, जैसे कि स्लीप, ड्रिंक, ईट, राइट, रीड, जंप, टॉक, वॉक, ये सब हमारे मेन वर्ब्स हैं. एंड हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जो कि सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, जो हमें हेल्प करने में, सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब. सो हेयर सब इन सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब्स बोथ. कि हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एम टेलिंग यू अ सेंटेंस, जैसे कि शी, मैं शी के बारे में, अ गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ, तो अ गर्ल के बारे में जो भी बात होगी, जो हम वर्ब लेंगे, चाहे वो एक हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, वेदर इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वी विल टेक इट प्लूरल ओनली, क्योंकि गर्ल हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब भी लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट. यहाँ ही के बारे में बात हो रही है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लिया है, तो हम हैज़ लेंगे. यहाँ हैज हमारा सिंगुलर है, हैव हमारा प्लूरल होता है. इट इज़ लाइक दैट. और जब मेन वर्ब्स की बात आती है तो वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं. इज़ दैट ओके? ये सिर्फ आई एम जस्ट टेलिंग इन ब्रीफ कि क्या होता है. व्हेन आई विल टेक द ऑनलाइन क्लास, आई विल टेल यू ऑन बोर्ड कि किसके साथ पर्टिकुलरली हम क्या लेते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू. नाउ मूविंग ऑन फर्दर, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, ठीक है. एंड इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए. ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. डायरेक्ट, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है डिनोट्स द पर्सन टू हुम समथिंग इज गिवन और फॉर हुम समथिंग इज डन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जिसके लिए कुछ किया गया है, जिसे कुछ दिया गया है या फिर जिसके साथ कुछ हुआ है। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ थिंग और पर्सन। और इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है यूजुअली इट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग और पर्सन। सो हमने क्या पढ़ा, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कन्वे इट्स मीनिंग एंड इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कन्वे इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, जो कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये चीज़ क्लियर है सारे बच्चों को? आई होप कि क्लियर है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इन योर ग्रामर बुक ऑल्सो इट इज़ गिवन कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किस तरह से किया जाएगा। थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दे रखा है तो मैं आपको थोड़ा और